ओम साई राम। श्री साई बाबा मंदिर भूपतवाला हरिद्वार का 3 दिवसीय 30वां स्थापना दिवस 3-4-5 मई 2023 को मनाया जा रहा है, जो कि हर वर्ष हरिद्वार में साई भक्तों का कुंभ मेला कहलाया जाता है। अनेक राज्यों से साई भक्त इस दिन हरिद्वार पहुंचते हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिवस बुधवार 3 मई 2023 को प्रातःकाल 5 बजे काकड़ आरती होगी। 6 बजे बाबा का मंगल स्नान होगा। दोपहर 12 बजे माध्यान्ह आरती होगी और दोपहर 1 बजे से बाबा का भंडारा प्रारंभ होगा। दोपहर 4 बजे उपस्थित साई भक्त श्री साई सचरित्र ग्रंथ का पारायण करेंगे। सायकाल 5 बजे से ऋषिकेश की सुप्रसिद्ध कलाकारा सुश्री अंजलि थापा साई का गुणगान करेंगी। कार्यक्रम के मुख्य दिवस गुरुवार 4 मई 2023 को प्रातःकाल 5 बजे काकड़ आरती होगी। काकड़ आरती पश्चात बाबा का मंगल स्नान होगा। उसके बाद 8 बजे से साई भक्त निवास की 14वीं सालगिरह के अवसर पर साई भक्त निवास में श्रीमती सुमन मल्होत्रा और भक्तों द्वारा श्री साई नाम जाप किया जाएगा। प्रातःकाल 9 बजे से श्री सत्यनारायण पूजा होगी। भक्तों से अनुरोध है कि इच्छुक भक्तजन 1 दिन पूर्व मंदिर कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा लें। दोपहर 10:30 बजे देहरादून के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री विनोद डिमरी और साथी साई का गुणगान करेंगे। दोपहर 12 बजे माध्यान्ह आरती होगी और आरती पश्चात बाबा का लंगर प्रसाद वितरित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे धूमधाम से श्री साईनाथ की भव्य पालकी निकाली जाएगी। बाबा को पालकी में विराजमान कर ढोल ताशों पर भक्तगण झूमते नाचते बाबा को हर की पैड़ी लेकर जाएंगे, जहां बाबा का गंगा जल से स्नान होगा। इस पालकी शोभा यात्रा का संचालन साई नागपाल जी करेंगे। सायकाल 5 बजे श्री विनोद डिमरी और साथी साई का संकीर्तन करेंगे और 7 बजे से विश्व प्रसिद्ध सक्सेना बंधु आदरणीय श्री सुरेंद्र सक्सेना, श्री मुकेश सक्सेना व श्री अमित सक्सेना बाबा के भजनों की पावन गंगा में भक्तों को गोते लगवाएंगे। कार्यक्रम के समापन दिवस शुक्रवार 5 मई 2023 को प्रातःकाल 5 बजे काकड़ आरती के बाद बाबा का उदी स्नान होगा। उसके बाद गंगा जल से भरे 108 कलश और 1000 लीटर दूध से श्री साई का महामंगल स्नान होगा। बाबा श्री का मंगल स्नान स्वयं भक्तगण द्वारा कराया जाएगा। मंगल स्नान पश्चात बाबा को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। प्रातःकाल 8 बजे से एक बार फिर विनोद डिमरी और साथी सक्सेना बंधु आदरणीय श्री सुरेंद्र सक्सेना, श्री मुकेश सक्सेना और श्री अमित सक्सेना बाबा का गुणगान करेंगे। दोपहर 12 बजे आरती होगी और उसके बाद बाबा का अटूट लंगर प्रसाद प्रारंभ होगा और कार्यक्रम का समापन होगा। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शिरडी लाइव पर किया जाएगा। श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर भूपतवाला हरिद्वार के सभी ट्रस्टी गणों एवं कर्मठ साईं सेवकों ने अधिक से अधिक साईं भक्तों को इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है। वहीं मंदिर की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती प्रिया दत्ता, सक्सेना बंधु श्री सुरेंद्र सक्सेना व साई सेवक साई नागपाल ने भी अपने वीडियो संदेश में सभी साई भक्तों को आमंत्रित किया है। ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3-4-5 मई को साई मंदिर भूपतवाला हरिद्वार में बाबा का 30वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर बाबा का आशीर्वाद लें। जय साई राम। श्री सचिदानंद साईनाथ भगवान की जय। सदगुरु साईनाथ महाराज की, दयालु दाता भगवान श्री साईनाथ के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से 3 मई 4 मई और 5 मई को वर्ष 2023 यानी ये साल आपने सबने हरिद्वार आना है, क्योंकि वहां पर बाबा का कलश महोत्सव, पालकी यात्रा, विश्व प्रसिद्ध मंगल स्नान, विश्व प्रसिद्ध साई संध्याएं बाबा की होंगी, महोत्सव मनाया जा रहा है। आप हमेशा आते हैं, आप आइए, रिश्तेदारों को भी लाइए और दोस्तों को भी लाइए, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हम सक्सेना बंधु समस्त कलाकार शिरकत करेंगे भजन संध्या में, आप आइए ना। जय साई राम। जय साई राम। बाबा की असीम कृपा और आप सभी साई भक्तों के प्यार से, जो श्री सुभाष दत्ता जी ने आज से 30 वर्ष पहले साई मंदिर भूपतवाला हरिद्वार में शुरुआत की थी, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर से बाबा का 30वां स्थापना दिवस समारोह 3-4-5 मई को हरिद्वार में मनाने जा रहे हैं। आप सभी साई भक्तों से विनम्र निवेदन कि बाबा के श्री चरणों में आकर बाबा का आशीर्वाद लें और हमारे सभी कार्यों में सहयोग दें।
शुभकामनाओं के साथ आपके आगमन की इच्छा रखते हुए जय साई राम। राज मल्होत्रा, साई लीला टाइम्स, हरिद्वार। कृपया साई लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साई बाबा से जुड़े रहने के लिए साई लीला टाइम्स इंटरनेट एफएम रेडियो लॉग इन करें। ओम साई राम।